हेलो एंड वेलकम टू भुक्कड़ ज्वाइंट। आज मैं आप लोगों के लिए शाही पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बना हुआ होता है। घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना बनाना आपके पैसे की तो बचत होती ही है और सारी चीज़ें शुद्ध मिलती है। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमको चाहिए, बिल्कुल जब घर में बना रहे हैं तो ज़्यादातर घर की ही चीज़ों से हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए ऑनियन, अदरक, लहसुन, टमाटो ले लेंगे। पनीर यहाँ पे मैं 200 ग्राम का पनीर ली हूँ, इसको इस तरह से क्यूब में मैं कट कर दी हूँ। ग्रीन चिली ली हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग सूखे मसाले लेंगे, तो उसमें है जावित्री, इलायची, ब्लैक पेपर, क्लोव, साथ में बे लीफ, शाह जीरा, हमारे जो रेगुलर जीरा होती है, और ये है सिनेमन स्टिक। साथ ही साथ हम लोगों ने लिया है कैश्यू नट्स, ये अराउंड 50 ग्राम का है। और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें एक चम्मच बिल्कुल देसी घी डाल देंगे। जो शाही चीज़ें बनती है ना, वो हमेशा घी में ही बनाई जाती है, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा खुलकर निकलता है। अब इस जो तेल है उसमें मैं ये पनीर को फ्राई कर लूँगी। जब हम फ्राई करेंगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसको हमेशा चलाते रहें, ताकि हमें बहुत भी ज़्यादा ये क्रिस्पी सा ना हो जाए। इसे बहुत क्रिस्पी नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा ब्राउनिश कर देंगे। तो इसीलिए इसे रेगुलरली हम लोग कंटिन्यूसली यूं ही चलाएंगे। और देखिए इतना हो गया है। अब क्या करेंगे कि करीब करीब 100 ml के अराउंड ये मिल्क है, मैं गर्म दूध, इसमें मैं ये जो फ्राई किया हुआ पनीर है वो डाल दूंगी मैं। अब ये इसमें सोख होगा, तब तक अब हम लोग मसाले की तैयारी करते हैं। तो इसी पैन में मैंने थोड़ा सा जो घी है और ले ली हूँ, और अब इसमें ये सारे सूखे मसाले जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, वो सभी कुछ मैं डाल रही हूँ और इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग भून लेंगे। अब इसमें हम लोग जिंजर और गार्लिक डाल देंगे। ये सब बहुत ही फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बस यूं ही डाल देंगे। और साथ में जो चिली था वो भी हम लोग डाल देंगे। तो इसको क्योंकि बाद में हमें पीसना ही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे फाइन चॉप वगैरह नहीं कर रही हूँ, हल्का सा रैंडम चॉप जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ऑनियन भी वैसा ही कुछ है, बहुत ही रैंडम मैंने इसको कट कर लिया था। जब ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाए हमारा ऑनियन, फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटो। ये देखिए, और साथ ही साथ इसमें नमक और हल्दी, हल्दी हल्का सा डालेंगे। हल्दी इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो कलर है ना हमारा, वो बहुत ही अच्छा इन्हांस्ड होकर के आएगा। और उसके बाद इसमें सारे कैश्यू नट्स हम लोग डाल देंगे, एक हल्का सा मिक्स कर लेंगे इसे। और फिर इसमें करीब करीब हाफ कप के अराउंड हम पानी डालेंगे। हमारा अभी जो टमाटर है वो भी पानी छोड़ेगा, जो ऑनियन है वो भी पानी छोड़ेगा, इसलिए हम लोग हाफ कप ही पानी डाले हैं। इसे ढक करके करीब करीब 5 मिनट तक यूं ही हम लोग पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है और हमारे टमाटर वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसे हम लोग एक ठंडा करके मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। फाइन पेस्ट तैयार करने के बाद क्या करेंगे कि एक स्ट्रेनर में इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो एक पीसने के बाद भी इसमें कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा जो हमारा मसाला रह जाता है, या टमाटर का बीज हुआ
या रेशा हुआ अदरक का, इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है तो वो सब अलग हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सारा जो हमारा मसाले का जो पेस्ट है वो बिल्कुल अलग हो गया, मैं छान ली हूँ। तो अब इसको हम लोग भुनेंगे। तो आप अगर देखें तो हम ऑलमोस्ट डबल भुन रहे हैं। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच लिया था घी, और ये जो हमारा पेस्ट था मसाले का वो भी मैंने इसमें डाल दिया है पूरा। तो अब इसको पकाना है। इसमें मैं रेड चिली पाउडर भी डाली हूँ, ये बिल्कुल वो वाली रेड चिली है जो तीखी नहीं होती है, कश्मीरी लाल मिर्च वो मैंने डाला है। ये सब इसके कलर को काफ़ी अच्छा बनाता है, तो उसके लिए मैं इसको डाली हूँ। और यूं ही भुनेंगे। हमारे मसाले एक्चुअली भुने हुए हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको भुन के फिर पानी में पकाई हुई थी, लेकिन अभी इसे दोबारा से भुनना है। और बिल्कुल आप 1 टीस्पून मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, जो ये रेस्टोरेंट वाला शाही पनीर जो बनता है ना, शाही फूड जो होते हैं उसमें हल्का सा शुगर ज़रूर हम डालते हैं, ताकि टमाटर का खट्टापन और स्पाइसेस को वो बैलेंस कर सके। देखिए, ये ऑलमोस्ट हमारा जो मसाला है वो भुना चुका है। इसको यूं ही हम लोग ओकेजनली इस तरह से स्टर करते रहें, तेल भी हल्का हल्का सेपरेट सा हो रहा था। तो अब इस समय हम लोगों ने जो दूध में पनीर डाल रखा था, तो वो पनीर डाल देंगे दूध के साथ ही साथ। तो चूँकि वो जो अराउंड 100 ml के अराउंड मैंने मिल्क लिया था ना, तो ये अब इस डिश में हम लोगों को ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें क्रीम भी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने दूध जो है वो डाल दिया था। और देखिए, इसको भुन लिए हम लोग, 2 से 3 मिनट और हमने भुना था इसे। तो इस तरह से आप देखिए, हमारा तेल भी सेपरेट सा हो गया है, और कितना सुंदर सा कलर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप रेस्टोरेंट जाएंगे और ख़रीदेंगे तो कम से कम 600 से 700 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। देखिए, मुश्किल से 200 रुपये में आपने इतना अच्छा शाही पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बना लिया है। तो ये आप इसको अपने घर में किसी भी चपाती नान के साथ खाइए। क्रीम से हम इसको थोड़ा गार्निश कर देंगे, ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे, और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोग थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। तो बस यूं ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, बनाते रहिए, खाते रहिए और स्वस्थ रहिए। बुक अ जॉइंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।